नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं घोसी उपचुनाव की। घोसी उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया, आपको बता दें 5 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो भी सामने आ रहा है और मतदान की जो प्रक्रिया है फिलहाल वो थम चुकी है और 5 बजे तक 49% से ज़्यादा मतदान हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से घोसी में मतदान हुआ। घोसी में शाम 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो हुई है। पांच बजे तक 49% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो देखिए, उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया थम चुकी है। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। 49% से ज्यादा मतदान हुआ है। दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच में जो फाइट है वो हो रही है और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। 6 बजे तक मतदान होना था और 6 का जो वक्त है वो हो चुका है, और लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल थम चुकी है। 5 बजे का जो आंकड़ा है वो भी हमने आपको दिखाया। और घोसी की जनता आखिर किसको चुनेगी, इसका फैसला 8 सितंबर को होगा। और सीमाब हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सीमाब, क्या जानकारी सामने आ रही है? 6 बज चुका है, मतदान की जो प्रक्रिया है वो थम चुकी है, क्या अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बताएं कि 5 बजे तक जो है वो 49% जो है वो मतदान हुआ था और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 1 घंटे में 5-6% मतदान और बढ़ेगा, यानी कि 55-56% का मतदान का एक अंदाज़ा था कि 6 बजे तक होगा। लेकिन बारिश हो गई 5 बजे से 6 बजे के बीच में, तो लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं, तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 55% नहीं बल्कि 52-53% मतदान के जो आंकड़े आएंगे अभी थोड़ी देर में वो आने की उम्मीद है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई है 1 घंटे तकरीबन यहाँ पे मऊ में, घोसी विधानसभा एरिया में। तो जाहिर है कि ऐसे में मतदान प्रतिशत जो जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो नहीं होगा। और यहाँ की अगर चुनाव की बात अगर करें तो सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान, इन दोनों के बीच में सीधी टक्कर है और दोनों ही दलों ने खूब जम के मेहनत की थी, चाहे सपा रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी रही हो। दोनों की किस्मत का फैसला 8 तारीख को जो है वो होगा। फिलहाल मतपेटियां जो है वो पैक की जा रही हैं, ईवीएम मशीनें पैक की जा रही हैं और वो स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी और 8 तारीख को इसका जो है वो फैसला निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल सीमा, आपने देखिए ज़मीनी रिपोर्टिंग करते हुए लोगों से बातचीत की है और पिछले 1 घंटे की अगर बात करें सीमा, तो क्या कुछ वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कितना वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि 5 बजे का जो आंकड़ा हमने देखा 49% से ज़्यादा जो मतदान है वो हो सकता है, तो क्या 2-3% जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अगले 1 घंटे में कहा जाए कि जो आखिरी का 1 घंटा है उसमें बारिश हो गई थी, इस वजह से जो वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं घर से नहीं निकले हैं, इस वजह से भी 2-3% क्या प्रतिशत बढ़ सकता है? सीमा, देखिए अब उम्मीद ये थी कि 5-6% जो मतदान है वो और होगा, यानी कि 55-56% मतदान होना था, लेकिन बारिश चूंकि इधर हुई है 1 घंटे 5 बजे से 6 बजे के बीच में यहाँ पर, तो जो वोटर मौजूद भी थे पोलिंग बूथ पे जिनको खड़े होने की व्यवस्था नहीं थी वो भी वापस चले गए कई जगहों से, तो ऐसी सूरत में मतदान का जो प्रतिशत तेजी से बढ़ना था वो कहीं ना कहीं कम होगा। हालांकि 3-4% की उम्मीद है कि 3-4% अभी मतदान का प्रतिशत और निकल कर सामने आएगा। घोसी की जनता ने भरपूर उत्साह के साथ जो है वो मतदान किया है, खास तौर से जो तमाम इलाके जो पिछले इलाके थे वहां के लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, लेकिन अब फैसला जो है वो 8 तारीख को ही होगा। सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। देखिए, घोसी उपचुनाव में मतदान खत्म हो गया। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे तक मतदान होना था और घोसी उपचुनाव में मतदान अब जो प्रक्रिया है वो थम गई है। लाइन में लगे लोग ही वोट डाल पाएंगे।
शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है, और घोसी की जनता ने क्या फैसला सुनाया है, घोसी के मतदाताओं के मन में क्या है और घोसी की जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि चुना है, घोसी का अगला विधायक कौन बनने जा रहा है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब 8 सितंबर को मिलेंगे। आज घोसी का मतदान पूरा हो गया है, इसने क्या दावा किया, इस रिपोर्ट